follow the money guys <laughs> <Don't> <laughs> follow your emotions don't be a psychopathic person just be a what <laughs> like capitalistic minded nerdy robot that's what humans are true yeah today's episode is going to be controversial guys uh, and like Joe, they say heavy minded people in the same wow i'm fumbling that's good that's yeah see <laughs> guys <laughs> it's <Ittne> controversial i'm <laughs> fumbling

कोटा वाले इतने hmm. चिल देखे नहीं है भाई कभी डर लगता है इतने चिल क्यों है वो बिल्कुल नहीं यहाँ पे कोई चिल नहीं है भाई नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द स्टूडेंट तुमको बस रूम बस लाइक वो रूम में पढ़ते रहते हैं मैंने जब भी हॉस्टल में मैं जब लाइक हॉस्टल आटे के लिए गई थी आई सॉ लाइक हम लोग जब भी गेट खोलते थे हॉस्टल का द गर्ल्स वो ऑलवेज स्टडिंग यू वोट माइन एवन यू नो स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम और चैटिंग ऑन व्हाट्सएप नथिंग दे वर जस्ट सीरियसली स्टडिंग एंड दैट इज वाई द एनवायरमेंट विल मेक यू स्टडी अर लाइक मतलब मोटिवेटिंग है और इट्स लाइक

बट अभी हॉस्टल में आके बहुत ही ज्यादा होम सिकनेस होता था दो कंटिन्यूअसली दो दिन तो मैं फोन करके मम्मा को रोती रहती थी कि मुझे प्लीज यहाँ से लेके जाओ बट ऑब्वियसली वो लोग मेरे को लेने नहीं आने वाले हैं हॉस्टल में मोस्टली सब लोग काफी like, यहाँ पे हॉस्टल में नो वन टॉक टू यू एट ऑल यू हैव टू डू यर्क नीचे जा मैस में खाना खा

ठीक है यहाँ पे लाइक ये गर्ल्स हॉस्टल है लेकिन मेरे चारों तरफ बॉयज हॉस्टल मुंबई में थी वाज द लेजीएस्ट पर्सन ऑन द्लैनट आई यूज्ड टू अप लाइक एट टेन ओ और फिर तीन बजे तक मैं इंस्टा स्क्रॉल करती थी उसके बाद भूख लगता था किचन से जाके खा लेती थी बट कमिंग आफ्टर हैव कम हियर मेरा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया लेट मी टेल यू आई अप एट सिक्स ए एम आई आई हैव दिस योगा सेशन एंड वॉकिंग सेशन फॉर वन आवर फिर सात बजे नहा धो के फिर ब्रेकफेस्ट करने जाओ एंड आफ्टर कमिंग फॉर ब्रेकफेस्ट फिर थोड़ा सा लाइक पूजा पाठ करना होता है क्योंकि वो कंपलसरी बोला है मॉम ने एंड देन फ्रॉम नाइन ओ क्लॉक यू हैव टू कीप स्टडिंग और एक बजे से कोचिंग स्टार्ट होता है तो बारह बजे तक आई हैव टू स्टडी फिर कोचिंग जाओ वापस आओ एंड देन दिस गोन बी दिस स्नैक थिंग स्नैक करके उसके बाद फिर से पढ़ते रहो सो so, लाइक like, बस द थिंग इज हॉस्टल का खाना बोल सकते हैं कि ठीक ठाक है अगर देखो को कोटा में रहना है तो खाना सिर्फ फंक्शन करने के लिए खाना है टेस्ट तो भूल ही जा Is it too good or it's too bad? <laughs> it's so mouth watering. मतलब खाना देख के लगा कि बस पेट भर गया देख के. Wow, I can I can imagine that now. Yeah. बस पेट देख के ही मन खुश हो जाता है. I'm like उसके आगे मुझे कुछ नहीं करना है. दाल मखनी की दाल और मक्खन दोनों दिख रहा है मुझे भी. हाँ, सब एकदम अलग-अलग ऊपर नीचे रहता 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 है है दाल में, दाल दाल में में के के अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी रह, नहीं, पानी नहीं that. कैसी लाइक मतलब like, तेरे में। अभी तो मैं बिगनर हूं तो मैं बस लाइक तीन चार घंटे ही पढ़ती हूँ पूरे दिन में बाकी दिन मैं कभी मैं लाइक अपनी फ्रेंड्स को फोन कर दूंगी कभी मम्मा से बात करना है पापा को मैं वीडियो लाइक so, like, वो लोग हैं कि तुमको फोन करने लाइक like, फोन करने के लिए भेजा गया कि पढ़ने के लिए बट बोल सकते हैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ने का मन नहीं करता है उतना बट धीरे धीरे सबको देख के अगर मैं किसी के भी विंडो में कि ओ दिस देखूश स्टार्टिंग तो मुझे लगता है ओ इवन मुझे भी जाके पढ़ाई करनी है बैलेंस कैसे करती है पर ये सब फिर हो जाता है मतलब बोल सकते हैं कि बैलेंस इंपॉर्टेंट है लाइफ में जैसे कि देखो मुझे लगा था कि यहाँ पे जो नीट और जेई के ज्यादा स्टूडेंट्स हैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो और कंपेरेटिवली जो मुंबई में जो स्टूडेंट्स हैं जेई और नीट के इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मैं बोल सकती हूँ क्योंकि कोटा में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग ट्वेंटी फोर सेवन बस पढ़ाई करते खाना खाते हैं कोचिंग जाते हैं बस सो जाते हैं आके लेकिन मुंबई में जो स्टूडेंट्स है उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को पार्टी भी करनी है लेकिन पढ़ाई भी करनी है सो दे वॉन्ट एन इक्वल बैलेंस बट इफ़ यू आस्क मी मुझे नहीं लगता कि जब तुम जेई या फिर नीट के एस्पेरेंट हो

दो साल अगर हम पढ़ाई को दे देंगे तो हमें अच्छा ऐसा बोलते। so, अगर अच्छा मिल गया, तो वहाँ पे फंड की यहाँ पे कपड़े पड़ते हैं है। और झाड़ू जा पोछे के लिए आंटी आती है रोज लेकिन फिर कपड़े या फिर आप लॉन्ड्री में दे सकते हो एंड देर यूर ऑन से और so can, और सो यू कैन खुद हैं दैट्स इट फैसिलिटीज़ में तो तो बस फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि आपको एक आंटी दी एक आंटी जाएगी जो क्लीनिंग कर देती बट बट हाँ, फिर बाकी सब तो कुछ से करना पड़ता है। कोटा का कैसा है? Like, question, like, मैंने कभी कोटा नहीं देखा है

<laughs> 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 बोडी सबसे पहले लाइक ब्लैक एंड वाइट रहता था नहीं है लेकिन मैं बता दू कोटा फैक्ट्री में जो नेटफ्लिक्स पे वही सेम होता है यहाँ पे लाइक यू लाइक एकदम पूरा सेम है कि वो लोग पढ़ like, टेस्ट के लिए कितना स्टडीज करते हैं फिर कितना एटमोसफियर है यहाँ का सो एवरीथिंग एक्सेप्ट कि वहाँ पे दिखाया गया था कि इज दिस रियली गुड डेटिंग कल्चर एंड समथिंग लाइक दिस तो यू वोट फाइंड सो मच अबाउट इट

और लाइक आर्ट्स बोल दिया तो भाई लाइक क्यों फेल हो गए थे इसीलिए आर्ट्स कर रहे हो बहुत कम परसेंट आया था वैसे तो लाइक इफ़ यू गो टू सी बहुत सारे फील्ड है इट्स जस्ट डेट कि लोगों को पता नहीं है अगर जब लाइक लोगों को नॉलेज हो जाएगा और फील्ड के बारे में सो वो लोग काफ़ी इंकरेजिंग रहेंगे ऑब्वियसली बट इट्स जस्ट दैट मोस्टली कोटा में लोग बिहार यूपी से आते हैं तो उन लोग का यही रहता है कि मैं नीट कर रही हूँ नहीं तो जे ही कर रही हूँ हर दूसरा इफ़ यू लाइक देखो मुंबई में भी अगर इफ़ यू गो टू सी साइंस में जो भी है हर दूसरा इंसान जे ही कर रहा है नहीं तो नीट कर रहा है

एसपीर पीपल people. What, people, like? खुद भी एस्पिशनल मैं बता सकती हूँ आई टेल यू कोटा में हर तरीके के लोग हैं लाइक like, जो एकदम पढ़ाई करते हैं जो लाइक like, नहीं करते हैं मैं बता सकती हूँ इफ यू आर नॉट वेरी स्टूडियस पर्सन इफ यू कम टू कोटा एंड यू सी पीपल यूल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टडिंग दैर इज समर इज द एटमोसफेयर विच विल मेक यू स्टडी इफ यू आर नॉट अ स्टूडियस पर्सन पर्सनली आई एम

सो होम सिकनेस में तो ऑब्वियसली लाइक वेन एवर लाइक घर के तो सबको आती है बस घर की इंपॉर्टेंस तभी पता चलती है जब तुम घर पे नहीं रहते हो तो so, यही है कि लाइक like, घर पे बात करते रहो एंड देन जस्ट फील की लाइक नहीं है ये हमेशा के लिए थोड़ी ना हम लोग यहाँ पे आए हैं यू नो योर पर्पज अपना काम पूरा करो एंड देन जस्ट गो बैक होम और वैसे भी लाइक हर दो तीन महीने में छुट्टियाँ मिलती रहती है यू कैन गो बैक एंड एंड कम बैक बट लाइक डोंट लूज होप कि होम सिकनेस की वजह से कोई भी यहाँ से जाता नहीं है वापस सेम कि नहीं यार नहीं हुआ सो अब मैं वापस जा रही हूँ मुझे घर की याद आ रही है ये तो काफी एल हो गया फिर What's your parents का and your relatives and friends जो तेरा पहले का friend group था उनका reaction listening to like कि you shifted to Kota you are doing this UPC का prep and you are like going for it एकदम ऐसा full accelerator देखे what's their reaction like? फर्स सबसे पहले पीपल वन ऑफ माय फ्रेंड ही डिड नॉट बिलीव एट ऑल उसको कोटा जाके मैंने वीडियो कॉल किया तब भी वो बिलीव नहीं करा उसको व्हाट्सएप पे मैंने अपना लाइव लोकेशन तक शेयर किया है ही इज लाइक मैं मान ही नहीं सकता कि तू यूपीएससी करने कोटा गई है तू झूठ बोल रही है तू लगता है कहीं कहीं घूमने के लिए गाँव गई है या कोटा गई है इट्स जस्ट दैट की पीपल अराउंड मी आर जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग इट की मैं सच में गई हूँ द थिंग इज एल टेल यू की इलेवेंथ में आफ्टर बोर्ड्स आफ्टर टेंथ वाले बोर्ड्स पे फिर यही प्लान था कि जेई के लिए कोटा जाना है But then, मुझे, मुझे जेई करना ही नहीं है मुझसे होना ही नहीं वाला है केमिस्ट्री तो उसके बाद बोला गया ठीक है नहीं जाएंगे कोटा बट फॉर सम रीजन माई डैडीज लाइक आफ्टर इलेवन की नहीं नहीं अभी एटलीस्ट सिक्स मंथ्स के लिए यू शुड गो यूलस्टैंड द वे ऑफ लाइफ खुद पे खुद पे डिपेंडेंट रहू वी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल

बैठी हूँ <laughs> द वन ऑफ द लाइक फ़ायदा यू पी एस सी का ये होता है कि तुमको लाइक like, बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है एंड बिकॉज ऑफ़ दैट यू कैन क्रैक मोस्ट ऑफ़ द एग्ज़ाम्स मैं ये नहीं बोल रही कि यू पी एस सी की वजह से तुम कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो लेकिन अगर मैं एस एस सी का एग्जाम दूँ या कोई भी सिविल्स सर्विस का एग्जाम दो उसमें मुझे फिफ्टी परसेंट ऑफ़ द पोर्न ऑलरेडी आता होगा 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 बिकॉज ऑफ़ यू पी एस सी दैट इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट ऑफ चूजिंग यू पी एस सी जो भी है

करने नहीं आते हैं is, like, तुम तो में पढ़ती हो, कौन सा नीट एम लाइक मैं एल एंड में नहीं पढ़ती हूँ जेई -E नहीं दे रही नीट नहीं लाइक हाँ like, कुछ तो नया सुनने मिला अदरवाइज कोटा इज फेमस फॉर नॉट फॉर यूपीएससी बट एल एंड

Like so like in yes. <laughs> like, करोड़ का बिजनेस है उसका Damn, sir wife, sir pedophile Not gonna lie. No, no, he's good. He's good at his work. He's doing yeah. his like, he's very charming in his like, work. quest yeah. for education. That's good. Hmm. You cannot like lie about that. Like he yeah. is assisting, he is helping a lot of small town people, a lot of big town people also in like achieving what they want. 8000 crore business Obviously yeah. he's good at his work.

भी हैिल्सन कॉलेज यूज हुआ था वे व ओरिजिनल हेरा फेरी विल्सन कॉलेज है कभी भी कोई भी जाके चेकआउट करो इट्स शोन एज दुलिस हेडक्वार्टर

ओ oh, हाँ वही अच्छा है भाई लाइक एकदम मस्त आई वाज लाइक ब्रो विल्सन कॉलेज लाइक ये हम लोग पोर्टफोलियो में क्यों नहीं लिखते कि लाइक हम शूटिंग पे देते हैं कॉलेजेस लाइक like, हाँ मतलब लाइक विल्सन कॉलेज जो लोग जानते हैं जो लोग जाते हैं वो लोग तो बोलेंगे नहीं भाई उतना अच्छा नहीं है बस नाम है बट मतलब जिनको नहीं पता है सो लाइक थोड़ा सा रहता है वर्ट कि हाँ हम विल्सन कॉलेज से हैं Wilson College is just famous all round because of like हमारे यहाँ पे fest होता है like the uh, like uh, yesterday I was talking with a society friend uh, like जो मेरे society में रहती है and she was like अरे you study in Wilson College and I was I was like हाँ I study in Wilson College एक साल होने को आ गया almost she हाँ. like oh तुम्हारे college में fest अच्छे होते हैं I'm like bro मैं education के लिए जाता हूँ maximum

फैमिली uh, के के साथ साथ टाइम टाइम स्पेंड स्पेंड हो हो गया हो गया लाइक लाइक ऐसे फ्रेंड्स फ्रेंड्स क्लोज वगैरह बीन इन इन कोटा कोटा सबसे पहले रिलेशनशिप तो तो मैंने कभी किया ही नहीं क्योंकि like मैं मैं तो अच्छी बच्चे हो और मैं तो कोटा में रिलेशनशिप यहाँ से मम्मी पापा को नहीं दिखाना है इसीलिए मैम मम मैंने ये सब नहीं प्लीज़ ये सब मत बोल मुझसे प्लीज़ और नहीं <laughs> हाँ पेरेंट्स के साथ तो कंपेयर लाइक कोटा आने के बाद पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप और भी अच्छा हो गया है और उनको भी मेरा इंपॉर्टेंस पता चला है कि लाइक घर से एक जो वर्कर था वो कम हो गया ना तो नहीं है तो फिर कौन घर लाइक घर का काम कौन करने वाला है अब तो नहीं है अब लाइक खुद समझो गाइज मुझे यहाँ भेजा गया था मैं अभी बीच में लाइक पुणे गया था लाइक ऐसे थोड़ा मूड चेंज ट्रिप टाइप Uh, हाँ, मेरे हाँ, एक हाँ. Uh, मेरे भैया बड़े भैया रहते पुणे में वहां पे उनके घर पे एंड लाइक like, हाँ. मेरे पेरेंट्स को वहां से, से रात को मैंने थर्ड या सेकेंड डे को से लाइक जस्ट like, uh, we like, ऐसे अभी हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छा, अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो तुम एकदम मतलब ये मैं बोल सकती हूँ कि हमें सिर्फेंस नहीं पता चलती है

दो ब्रेकअप तो मैंने फेस किए हुए है हैं बट हाँ मतलब, यू जस्ट फील की लाइक शिट। फर्स्ट ब्रेकअप बोल सकते काफी ज़्यादा टेरेबल था काफी ज़्यादा था। दैट ट्रामा हॉन्टेड मी फॉर गुड फाइव मंथ्स लेकिन फिर उसके बाद सेकेंड ब्रेकअप में फिर बोलते हैं ना कि आदत हो जाती है चलो ठीक है नहीं ना, जाओ यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता इट्स जस्ट दैट कि लाइक वही रिवेंज वाले गाने सुनो मैं तो बस लाइक बैड विच एनर्जी वाइब्स स्पॉटिफाई पे फर्स्ट प्ले प्ले लिस्ट यही रहता है कि कैसे यू डोंट गिव अ फक अबाउट द पर्सन एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वन थिंग वन थिंग फॉर एवरीवन कि कभी भी अपने कॉलेज में कभी डेट मत करना डेटिंग योर क्लासमेट इज फन अंटिल एंड अनलेस जब ब्रेकअप हो जाए यू हैव टू सी दैट पर्संस फेस फॉर द रेस्ट ऑफ

वो काफी ज्यादा शेडी हो जाना सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे स्टोरीज कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि लाइक like, इसका पक्का कटा है सो so, सो लोग ऑब्वियसली बोलने वाले कैसे कैसे वा, कैसे हुआ यू यू जस्ट हैव टू बी नो ना आई आई एम लाइक लाइक डिजर्व डिजर्व बेटर बेटर वो के चक्कर में that, uh, मैंने, like, छोड़ दिया. no no nei, sad songs logo ko, then people are going to think that you are sad about it and you are very into the person so you don't oh, have to do wow. that the, <laughs> the, the interstellar like, moment of, of breakup we can find yeah. ha, so you it's don't like have like to bend to... the laws of breakup <laughs> for yourself yeah so you don't have to show that you are sad it's just that just show you don't care okay. and you are not very into that's my personal advice and what's, what's and... more on breakup as like a topic

You don't have to say the uh, your current partner. Yeah, I have crush on that person. You just have to be quiet, saying, "Ha ha." Like, just like, when you have broken up, you can go and hit on the other person. Okay, like have your backup plans. Yeah, yeah, backup plans, her, her important a career, so like a relationship. Tha. Wow, kota me guys, kota Kota. i admission <laughs> le <laughs> वहां पे रिलेशनशिप एडवाइस डांस क्लासेस और uh, क्या बोलते हैं अनप्रीसिडेंटेड अमाउंट ऑफ मोटिवेशन मेरे को बहुत चाहिए like, हाँ. लाइक वो कोटा में मिलेगा मुझे पक्का मोटिवेशन भी मिल सकता है डिप्रेशन भी मिल सकता है मोटिवेशन और मोटी आंटी दैट्स व्हाट यू नीड इन लाइक यू नीड इन लाइफ लाइक राइट आल्सो नॉट बीइंग फैट शेमर्स लाइक वरना सब आ जाएंगे गाइस आई एम फैट बट इज

That's nice. That's nice. I am I'm, I'm noting this, okay, for for reference. <laughs> May I note karo for like my book like Al Newala? Just controversies and life hacks. Like talking about like breakups, like <laughs> recently. बहुत एक ऐसा सेंट्रल ऐसे यूनियन गवर्नमेंट से जिंदगी के बारे में ऐसे लाइफ के बारे में बड़ा ब्रेकअप सुनाई दिया था इट वाज लाइक फर्स्टली एजुकेशन पॉलिसी और उसके बाद लाइक like, अभी रिसेंटली दे लाइक दे आर जस्ट चेंजिंग नेम्स ऑफ लाइक इस्लामिक लाइक इस्लामिक नेम्स जो जो थे लाइक मुगल हिस्ट्री सब निकाल रहे हैं एनसीआर लाइक व्हाट्स विद व्हाट डू यू नो अबाउट दैट

Uh, हाँ उन्होंने अपनों को ही मुझ फोर्सफुल अपना बना लिया तो हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया कि अकबर was वेरी वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट रोल बट वी डिड हम लोग अकबर के ऊपर पूरे चैप्टर हैं लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अशोका इनों पे बस लाइक थोड़ा सा कंसेप्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य दैट

ओह ओके थैंक्स फॉर डेलिवरिंग मी या ऑलवेज लाइक ऐसा म्यूचुअली वे आर फाइंडिंग इनफो गाइस लाइक वे आर हैविंग आर इंटरस्टेलर मोमेंट हीर लाइक ऐसा तेजा वो होएगा ओह वाव दिस गाइ टोल्ड मी रैंडम लाइक इमेट ऑन व्हाट्सएप एंड नाउ वे आर टॉकिंग कंट्रोवर्शियल थिंग्स एंड लाइक ही �

एक क्या है मतलब लाइक चेंजिंग द नेम्स ऑफ थिंग्स लाइक जैसे अभी रिसेंटली लाइक अराउंड फाइव इयर्स अगो इफ आई एम नॉट रॉन्ग एल्फिस्टन रोड पे ब्रिज गिर गया था एंड द गवर्नमेंट दैट वाज इन रूलिंग लाइक दैट वाज रूलिंग दैट टाइम दे जस्ट चेंज द नेम ऑफ दैट स्टेशन जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़ पे हाईलाइट नहीं होगा उतना लाइक दे चेंज द स्टेशन नेम फ्रॉम एल्फिस्टन रोड टू प्रभा देवी बिकॉज लाइक फेर काइंड ऑफ

मतलब सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है लाइक like, हमारे कंट्री में आफ्टर क्योंकि ब्रिटिशर्स डिट द से जस्ट वाइप आउट वॉटर दैट वी हैेंज टू वे वॉन्टेड एट दैट पॉइंट एंड नाउ वी आर डूइंग द सेम थिंग्स लाइक वी आर जस्ट लाइक चेंजिंग

एंड तेरे पास कोई एग्जाम्पल्स है जैसे अभी तूक एनसीआर में लाइक मुगल पोशन रिमूव कर दिया ऐसा कुछ लाइक नाम चेंज कर दिया होगा या फिर वो पार्टी निकाल दिया एंड हाउ लाइक ने भी सेम किया था like, you know. no, या ब्रिटिशर्स yeah, ने किया था लाइक दे जस्ट चेंज दिस्टम लाइक ये आश्रम जाना नाउल Students manufacturing houses, like legit, it was that, according to them. It was just manufacturing slaves, manufacturing students for their own use I did not know this. That's okay. dark, dark, and that's what I know about guys. <laughs> what you know? I can say that. what I, I, I know a lot of shit, but it's huh. just ki, like, har, har baat ko aake yase, like, I know this. हाँ हाँ लाइक लाइक मोस्टली स्पेशली गाइस साहब यही बोलते हैं कि हाँ मुझे तो सब पता है जस्ट जस्ट कि आई 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 डोंट वांट टू टेल पीपल दैट नो इसीलिए तो बोल रहा है थिंग इज की वॉट एवर सेइंग इज फैक्ट्स ये सब ओपिनियन सब्जेक्टिव है हाँ, कह सकते। लेकिन ये सब का इम्पोर्टेंस क्या है इट्स लाइक like कि मतलब एस ए नॉर्मल सब इट्स ओके okay कि मतलब यू कैन चेंज इट यू कैन चेंज इट टू वट एवर यू नीड बट इन द लॉन्ग टर्म ऐसे अगर देखें तो हम पब्लिक को लाइक थोड़ा मतलब डिवाइड भी कर रहे हैं हम पब्लिक के ओपिनियन को हमारे जो मतलब नेसेसरी है या फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसमें शेप करेंगे और जो मेन मेन जो फैक्ट्स है वो निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए वो हाइड नहीं होनी चाहिए ये सिर्फ मेरी बात है लाइक अगर मतलब तू तो एग्री करती है फिर नहीं करती है लाइक वॉट डू फील अबाउट इट जैसे कि मुगल गार्डन का भी नाम चेंज हुआ है

ंग लोगो को थोड़ा सा भी कुछ बोल दो ना जो हिंदू मुस्लिम में है लोग पक्का उसको बिलीव करने वाले हैं जैसे कि वो श्रद्धा मर्डर केस के बारे में फॉर सम्रद्धा मर्डर पैंतीस टुकड़े कर दिए थे उसके तो इट वॉज की लाइक वो काफी लाइक like, था कि बहुत ज्यादा डीप कॉन्ट लाइक like, डीप था वो क्राइम लेकिन बट पीपल्स मेरिट की ये तो लाइक हिंदू मुस्लिम की वजह से है और फिर लाइक

नो नो नॉट दैट आई एम टॉकिंग कि मतलब वो हर मुस्लिम टेररिस्ट तो ऐसा नहीं है एंड हर मुस्लिम टेररिस्ट ना हो ऐसा भी नहीं है इट्स जस्ट इट्स सब्जेक्टिव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बिकॉज सबकी लाइफ अलग रहती है सबके सिचुएशन अलग रहते हैं सबकी अपब्रिंगिंग अलग रहती है लाइक सबका सब अलग रहता है कितना भी हम बोल रहे कि हमारा ये सेम है वो सेम है बट लाइक कुछ कुछ जो एलिमेंट्स रहते हैं जो डिस्टिंगटिव एलिमेंट्स रहते हैं और जो डिस्टिंगटिव बातें रहती हैं वो अलग ही रहती है

you know like some science of religion that uh, how like spirituality i feel like religion related practices jo hai that can be good or bad for a person scientifically speaking kya example mm -hmm. we can say like doing fasting like tu fasting ka example de rahi thi kyunki oh acha okay, ha ramzan ka so see personally i think ki people ramzan karte hain which is good kyunki see i'm not saying i really really hate muslim people But some some बट सम un एडस्ट ka one उन लोगों का that they practice is दैट uh, they प्रैक्टिस इज फास्टिंग जो one month वन मंथ तक उनका रमज़ान चलता है सी दिस इज़ गुड एंड ऑल telling you raat ko रात को अगर वो लोग raat पूरा रात वो लोग खाते हैं उसकी वजह से is going like weight increase होने वाला है इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू सी लाइक रमज़ान के बाद लोग बीमार हो जाते हैं बिकॉज़ ये लोग पूरा फुल द थिंग इज सम के टाइम पे हम लोग को हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है They don't they follow dehydrate ho They don't eat or drink anything during summer, which is very important. Or eventually they fall sick. Uh, how can like religion be good? Like scientifically? But abhi you gave an example of like Ramzan being bad. Like can you give us an example where Ramzan can be good also if followed properly? So there's one thing ki, like Ramzan, if you if you're doing this Ramzan thing, so you don't you don't have to like fight or say anything that is

what you told me that's something that you you must have seen yeah. and you must have like experienced oh, yeah, say. Yeah. you must have heard and you must have like well absorbed it from somewhere yeah. but like mm -hmm. whatever i have absorbed that's like contrary yeah. to what you are saying but i i can definitely like mother find a few rotten apples like you told mother who are not following it

उनकी रिलीजियस बुक में कुरान में दी है कि लाइक like, मतलब ऐसे यू हैव टू फॉलो दे फॉलो इट लाइक दैट स्पेसिफिक वे देन इट्स हेल्पिंग आल्सो लाइक नॉर्मल मतलब लाइक like, हिंदुइज्म uh -huh. में भी आल्सो लाइक वी हैव लाइक श्रावण सोमवार रहता है uh, uh -huh. then, करवा चौथ रहता है वी हैव लाइक गुरुवार पे बहुत लोग उपवास रखते हैं हाँ शनिवार हाँ 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 के दिन बहुत लोग उपवास रखते हैं संकष्टी रहती है एवरी मंथ लाइक उसमें भी फास्ट रखते हैं इन दैट आल्सो देर आर पीपल जो मतलब फास्ट रख के ड्यूरिंग द फास्ट दे ईट लाइक साबूदाना बहुत ज्यादा खाते हैं दे ईट लाइक पोटैटो बहुत ज्यादा दे लाइक ड्रिंक शुगरी जो मतलब ड्रिंक्स रहते हैं जो फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स रहते हैं दैट टू मच दे लाइक

ट फास्टिंग like kind of like, की थीडाउन पोस्ट लॉकडाउन टू लाइक लूज समय लाइक उस स्पेसिफिक टाइम में टू लूज वेट लाइक इट वॉज रिलीजियस इट वॉज स्पिरचुअल so you had to eat less whatever like comparative to every day yeah like there is a certain uh, level of maintenance calorie level that your body needs to maintain whatever your body may like uh, the amount of fat the amount of protein the amount of like uh, जो भी मतलब तेरे मसल्स है उसकी ग्रोथ रिपेयर सबको मेंटेन करने के लिए इट नीड्स अ सर्टन अमाउंट ऑफ कैलोरी एंड इफ यू हैव टू लूज वेट यू हैव टू ईट लेस एंड इफ यू हैव टू गेन वेट यू हैव टू ईट मोर देन दैट मेंटेनेंस कैलोरी लेवल एंड लाइक इफ यू हैव टू ईट मोर यू हैव टू इंक्रीज योर एपेटाइट एंड इफ यू डोंट हैव टू ईट मोर यू हैव टू डिक्रीज योर एपेटाइट इट्स लाइक दैट प्रॉपर्ली साइंटिफिक सो बट इट्स दैट प्रॉपरलीफिक लोग ठीक से फॉलो नहीं करते हैं हां जस्ट इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ doing things they are doing it but they are bending the laws to their like it needs is, yeah yeah, which is not always beneficial like scientifically mm -hmm. biologically we are talking oh yeah great what's about like gods and all what's your say about that like let's talk about hinduism let's uh, trigger, yes, let's, let's mm -hmm. trigger a little bit of gaurakshaks, a little bit of like hindu priests yeah. and all let's trigger them what's what's yeah. your thing about uh, hinduism

लाइक मतलब इफ है टू एक्सप्लेन यू लाइक इट्स इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट कि इफ आई टेल यू कि अपने आँख बंद करो एंड थिंक अबाउट अ गॉड लाइक इफ आई टेल यू थिंक अबाउट अ गॉड एंड वॉट एवर कम्स टू योर माइंड दट्स योर इष्ट देव एंड इट चेंजेस थ्रू आउट युअर लाइफ लाइक द गॉड दैट यू सीक इज जस्ट द कैरेक्टरिस्टिक दैट यू करेंटली वॉन्ट टू एब्सॉर्ब इन युअर लाइफ इट्स इट्स लाइक दैट लाइक इष्ट देव द कॉन्सेप्ट

What are the qualities that you want? Like uh, all the guys who want to hit up Anushka, please write it down. Yeah. So first of all, you need to be you need to look as cute as him. You need to look a very like not very attractive, but chitna unka acha personality hai. He's charming. very loyal to Radha. Yeah, he's very charming, the charismatic, and uh, he's very loyal to Radha. Let me tell you. But, but at the end of the day marry. Yeah, they didn't, didn't marry. Badly.

लेकिन टेल्यू की जब राम जी और सीता वनवास गए थे चौदह साल के लिए yeah. और सीता का वहां पे अपहरण हो गया था नो दैट ऑब्वियक् शी लेफ्ट राम बिकॉज वेन शी केम बैक फ्रॉम क्या बोलते uh, रावन के उधर से ऑब्वियसली बजरंगली बॉटे बॉटर उसके बाद देन पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग सीताज

So, mm -hmm. like, we don't know for sure what were the characters of Ram. But mm -hmm. considering the original version that is, like, in the hands of whatever, like, main priests, hai, jo Ayodhya mein, they mm -hmm. tell it, ki like, Ram was not, like, necessarily a, a misogynistic person or a person who questioned the chastity of his wife, his, uh, like, Ardhangini, as he called yeah. her.

like, mind, he was like, ki bhai kar de tu. like, if you love me so much, please, like, do it and just, like, satisfy their uh, uh, point. Yeah, manipulation. Like but yeah. that too has, like, versions. There is a version which, like, so Ravan and Sita to be, uh, like, uh, father and daughter ka duo. And Ravan bought, like, Sita to Lanka because he thought, ki, like, Ram wasn't fitting for her. Like that. Like, there are various versions of Ramayana. And that's maybe, like, the thing ki Ramayana... is a history but like it has been told in a story format or like story going from one person to another and from like so much generations it's so much different and like usme kuch na kuch dilutions hote hi hai ha like Chinese whisper you know right yeah like कुछ न कुछ अलग अलग like word हो जाता है it's like active to passive voice करोगे उसमें भी change हो जाता है थोड़ा सा वही see if you truly love the person तुम दूसरों के बातों में नहीं आ जाते हो that

कृष्णा okay. had this girl best friend. Bestie girl. <laughs> Female. Lalita. No. भाई उसका नाम क्या था लाइक like, वो सेवेन सेवेन पांडवार्स की वाइफ थी सेवेन नहीं फाइ द्रोपदी yes 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 द्रोपदी she wasn't दुरौपधी. the bestie of कृष्णा she was थी... just like पांच पांडव की वो seven not seven i need to correct you there पांच पांडवों की लाइक like, वाइफ थी वो द्रोपदी so like see I'm telling you वो, वो लोग थे see जहाँ तक मैंने reels scroll किया है वहाँ पे देखा था मैंने कि वो कृष्णा की best friend है they just said that कि कृष्णा की एक ही best friend है कि and her name is Dhrupadi so like the thing is when I I don't see एक point पे मुझे like कृष्णा बहुत पसंद है लेकिन just ये वाले concept में लेके I'm like भाई why did he do this so when Dhrupadi was getting molested कृष्णा saw all of that but he did not come to help her do you know that yeah तो बट वो आस्केन फिजिकली देर ना एंड अ अगर आप देख रहे हो कृष्णा जस्ट एस ए पर्सन द गॉड्स वे कैन नॉट हेल्प ना लाइक अगर आप नॉट आट द प्लेस अगर मैं टेल यू लाइक तेरे बेस्ट फ्रेंड का पिकअप हुआ है एंड यू आर इन फोटा तो बेस्ट फ्रेंड इज़ मुंबई हाउ दैट आई आर गोइंग टू गो

Uh, also if it happened and Krishna knew it but he cannot interfere with like how time works maybe that's also a reason maybe ye sab correct. Hai, nahi, there was some dilution in the story and it's mm -hmm. just like metaphorically they are telling that uh, Draupadi asked for Krishna's help like maybe it was not just Krishna that she asked help for there were other people also but like people metaphorically trying to praise Krishna were like you know she just asked for Krishna's help like, there are many perspectives that you can see just like this one situation. Yeah, obviously, ek. you know, like, ek, ek story ke, there are like five storytellers. Yeah, like, everyone may be having different perspectives. Huh. What's about like nowadays? Uh, I, I was seeing like ki, people are turning atheist just because it's cool. It's like cool to hate gods now. And like, what? what's that like chat about, according to you? See, people, I can tell you that some of my friends, they just want to be atheist because, like, we want to stand out from the crowd. We don't want to be same. So I'm just going to say I'm atheist. I don't pray any of the god. Is it like, but uh, kind of beneficial in the long run? What do you feel like being atheist? What what, what comes with being atheist and not being atheist? Benefits and like. Yeah, the, the pros and cons. Yeah, the pros and cons of being atheist.

रोक हाँ, no, not गाड़ी रोक के ना नॉट गाड़ी रोक के बट आई आई डू दैट लाइक काइंड ऑफ द नॉट नॉट हेट यू गिव और लाइक ऐसे हाथ जाते हैं ऑटोमेटिकली या लाइक हाई गॉड हाई एम देअ no not god it's just that you respect whatever entity that's there like mother uh, uh, very frankly speaking there are some gods that i don't really like what they stand for and what like their uh, like followers are preaching i don't really think that's something i like or i feel that i should follow

I'm telling like you, like you're saying all of this, is it like because you don't like Kali Mata? Yeah, do you like Kali Mata? Because there are a lot of people who don't really, you know, not not really are devotees of Kali Mata because they think ultimately, oh, sab kala jadoo ho gaya. No, not like that. I don't know if I like Kali Mata or not. Like mm -hmm. I haven't been in that realm. Huh. So, like, who do you like then? It's a very personal opinion. I feel. I it's like that. I i like ganpati i like uh hanumanji they say huh. i like um uh, in a way like being from a maharashtrian kind of family oh, i like okay. Datta. um i i like uh, i like shiva I, I like shiva a lot nowadays like maybe i'm like transitioning from like ishtadev kind of point i'm transitioning like i'm i was previously like a more krishna person like, yeah, I followed, like, ka I followed a lot. Uh -huh, uh -huh. Assume, like, uh, yeah, like yeah. after, like, post-lockdown, uh, there was, like, a very depressing phase in my life. And okay. in that, like, uh, gymming, uh, like, mm -hmm. it's not exactly gymming wala gymming, but, like, exercising, huh? Krishna, uh, and, like, boards ka preparation, that's, yeah. and badminton. Like, these four, or five things were only, like, part of my life. It was, like, it was full turmoil. Yeah. But, like, these few topics got me out of it i connected with a lot of people uh like due to krishna as a topic yeah, yeah so like do you you do believe ki like agar when you're lonely in life god will help you to get out of it not always but it's it's more moreover like ki i'll help myself but like kind of uh, I need it's someone, like it's yeah. like a side it's like a sidekick type for me god yeah, maybe ha, ha. it's yeah, like a sidekick yeah. who who laughs at me when uh, i do something uh, foolish and someone who who can, you know, like uh not guide but uh just like see. It's like a se dekh lega, wo kind of. Main, karna to mujhe hi hai, but like he will just like uh introspect me in a way, we can say. He's like yeah. my alter uh, subconscious. Yeah yeah. And like also my love, religiosity and like spirituality is not a topic I feel ki mother that will make me like be polarized about something or like mm -hmm. create differences amongst like people. Yes, yeah, 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 right, right i'm that much cool with religiosity and religion huh. like re being racist being uh, <laughs> like sarcastic yeah. to a very dark level like mira humor i feel is very very dark and like uh, recently only there was like uh, we were like four or five friends after our last exam we were just like yeah. talking uh, canteen kisamne college me. Yeah. and uh, like one of them just cracked a joke about some like christian uh, <laughs> some christian story Mm -hmm. and i gave him like a very very dark reply and he was like bro just just like i didn't know you had such a dark intake of comedy yeah, yeah. i was like no I, I i am usually like very dark with sarcasm but i feel ki like har utna dark nahi hona tha. like light humor is also something that we can enjoy but for dark humor wale log fir to like so offend bhi ho jayenge ki, why are you saying this but yeah but it's mm -hmm. it's just that you find your tribe now and like mm -hmm. there i can be much more open with my dark humor yeah not everyone can like digest everything i throw at them kind of vise. yeah there are people who will be like no you're saying this is wrong mm -hmm. and then still, philosophy start card philosophy philosophy thanking you shouldn't say something like this people will find offensive yeah what are the gods that you like like you were asking me i like to counter question you what are, yeah. what are the gods or what are the like practices that you feel you like

Haan. Like, maybe Muslims may be doing the same thing for, like, uh, Eid or Haan, like Christians eh. may be doing for, like, Christmas and, like, New Haan. Year, We never know. Like, it's just that in India, mein hai ki, you see a lot of things that can, like, mesmerize you with just presence, I feel. Yeah. Obviously, why we say India is a diverse country? We've read this eh, a lakh of like, It's diverse, but we are div divided, too. या yeah, अगर डिवाइडेड है तो भाई डिवीजन अगर जहां जहां पे नहीं चाहिए डिवीजन वहां पे खत्म कर दो जहां जहां पे चाहिए लाइक मतलब काइंड ऑफ चाहिए एज आई मीन लाइक फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट इफ इट्स नीडेड लाइक डिवीजन या फिर सेग्रीगेशन थोड़ा सा देन इट्स ओके वी कैन एडजस्ट टू दैट दैट मच लाइक भाई इंडिया में इतनी चीजें होती है हम हर चीज को जल्दी जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइक like, नाइन्टीज के टाइम पे किसने सोचा होगा कि लाइक like, 2023 में बच्चे साइकोलॉजी लेके पढ़ाई करने mm -hmm. के लिए लाइक 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 मतलब पीपल विल बी सो मच ओपन टॉकिंग अबाउट अबाउट वी आर वुड हैव इट व्हाइल बाबरी मस्जिद हैपनिंग दैट भाई like, लो, अभी तो साइकोलॉजी वही कर रहे हैं अनस्टेबल है yeah. like, <laughs>

रिलीजन बट आई एम टॉकिन रिलीजन फ्रॉम अ अर्सपेक्टिव ऑडियंस के लिए इट्स नॉट जस्ट लाइक रिलीजन कि मतलब धर्म है तो धर्म के नाम पे लड़ाई करेंगे इट्स लाइक like धर्म के वजह से जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसकी वजह से लड़ रहे हैं लोग एट द एंड ऑफ द डे नॉट जस्ट लाइक धर्म के वजह से लड़ रहे हैं सब लोग सर एंड ऑफ द डे सब कुछ तो धर्म की वजह से ही हो जाता है पर धर्म नॉट विथ एंटायरिटी लाइक मतलब जो अभी हम लोगों ने प्रोज के बारे में बात किया लाइक like, मतलब मैं पूजा कर रहा हूँ किसको भाई प्रॉब्लम है उससे लाइक like, मैं मेरी वजह से कर रहा हूँ मेरी इच्छा से कर रहा हूँ या फिर कोई नमाज पढ़ रहा है वो अपनी इच्छा से कर रहा है सब प्रैक्टिस फॉलो कोई लाइक जाके चर्च में बाइबल पढ़ रहा है फादर के साथ कन्फेशन दे रहा है भाई वो उसकी चॉइस है ना उससे दंगे कहाँ पे हो रहे हैं वैसे बोल रहा हूँ मैं

क्या बोलेंगे कोई भी कन्वर्सेशन इज जस्ट लाइक देयर इज अ प्रॉब्लम वी हैव टू सॉल्व इट कर लो भाई कितना 50 साल लड़ाई कर लो 50 साल के बाद कोई तो एक ऐसी जनरेशन आएगी जो चिल होगी इस सब के बारे में दिल सॉल्व इट आउट हां 50 साल मुझे तो लगता है हमारी नेक्स्ट जनरेशन ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन गोइंग टू बी वेरी कूल ना आ, आ, मैं मैं भाई कूल cool, cool हूं इस सब के बारे में लाइक आई कैन सी लाइक मैं थोड़ा सा फॉरसाइटेड हूं इन दैट वे या फिर आई डोंट नो ट्रेडिशनल हूं अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट जनरेशन यू कैन नेवर नो या

तभी तो लोग लाइक like, अगर भीड़ में से करके अपना सेक ही हाँ हाँ दिस इज बेड दिस इज बेड बट इफ यू गोइंग टू सेक ही नहीं दिस ऑफ़ द सिचुएशन इसमें दिस इज गुड सो पीपल वी विल बिल आस्किंग यू की व्हाई डू यू थिंक इट इज गुड सो दैट इज वन ऑफ़ द रीज़न व्हाई आई थिंक सो यू शुड बी द एक नेगेटिव्स को अगर हटाना है तो मिट्टी में हाथ जाना ही पड़ेगा वही दैट्स कूल दैट्स अच्छा है अच्छा पर्सपेक्टिव है हां तो वुड यू लाइक टू लाइक गिव अस लाइक अ एंडिंग नोट लाइक मतलब ऑडियंस के लिए दिस इज द एंड ऑफ द पॉडकास्ट पर लाइक जस्ट इट्स की काइंड ऑफ माय फीडबैक लूंगा ऑडियंस में से लाइक यू कैन पुट इन योर कमेंट्स आई विल टेक अ फीडबैक फ्रॉम यू अनुष्का लाइक हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक जस्ट बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट टॉकिंग अबाउट सच नॉट सो टॉकड अबाउट टॉपिक्स दैट वी टॉक अबाउट

फिर लोग बोलेंगे कि सी आई एम टेलिंग यू कि मैं कॉन्ट्रोवर्शियल हूँ देर आर सो मेनी पीपल हेटिंग ऑन मी राइट नाउ लाइक राइट नाउ नहीं पर्सनली लाइक पीपल हेट ऑन मी बिकॉज ऑफ माई डिफरेंट ओपिनियंस चलेगा ना भाई हेट ऑन मी और लव मी बट यू कॉन्ट इग्नोर मी It's like what part I saw of Anushka today that may be like very very good and I like to talk with just that part of Anushka yeah. that way. Yeah. That's cool. अच्छा I... है. and like matlab ek aisa like बहुत बहुत uh, underlying note i like to give you your voice is very 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 good like मतलब listening to this yeah. voice like while recording i was like yeah she does have like a very boy, yeah. very uh, aise attachment voice yeah. mein aa jaati hai kisi ke sath ha the thing is mujhe thoda sa journalism bhi karna hai so if you think your voice is acha so i should do a bit of journalism bhi yeah journalism being controversial guys india wants to know <laughs> true

गीत बस मूवीज में अच्छी लगती है रियल लाइफ में लड़कियां चुप-चुप अच्छी लगती है सो समरी सो वी कैन टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट पार्ट 2 में बात करेंगे ला 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 आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन दिस वन वी कैन टॉक अबाउट दैट इन द पार्ट 2 टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इज देयर लाइक एनी नोट दैट यू लाइक टू गिव एनी फीडबैक दैट यू लाइक टू गिव मी लाइक इट्स जस्ट दैट कि लाइक जो भी है तू करता रहे बहुत फन रहता है एंड देन कंसिस्टेंट रहे

तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो पूरे भारत में एकदम मोदी जी तक पहुंचा दो मैं तो बोलता हूँ मोदी जी योगी जी सब सब एकदम मुस्लिम मुस्लिम सब सबको <laughs> सब, सब पहुंच जाना चाहिए पॉडकास्ट एंड अगर आप रात को सुन रहे हो तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी मैं ऐसी मनोकामना करता हूँ और अगर आप पेसे 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 सुन रहे हो आपका एक मस्त एनर्जेटिक और चेयरफुल डे जाए इसकी हम मनोकामना करते हैं और अगर आप इसे यूट्यूब जैसे किसी वेबसाइट पे देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना इसे शेयर करना मत भूलना अगर आप इसे Spotify पे सुन रहे हो तो हमारे पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करो पांच जो सितारे दिख रहे हैं उसको चमका दो बहुत मजा आ जाएगा हम लोग को भी उससे एंड कमेंट करो यस यस कमेंट करो अपना एक्सपीरियंस बताओ जरूर बताओ वी आर होपिंग कि एक मस्त सा ऐसा कुछ तो लिखोगे बड़ा पैराग्राफ लिखोगे टिल टिल नेक्स्ट टाइम दिस इज वॉइस 1 रितेश साइनिंग ऑफ दिस इज अनुष्का साइनिंग ऑफ Yeah. and we'll meet you in part 2 with geek yes. this time yes yes please call me in part 2 too yeah bye 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 <laughs>